हिमाचल पुलिस के डीजीपी संतोष पटियाल ने ऊना में शुरू होने वाली हिमाचल पुलिस की भर्ती के लिए भर्ती स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। हिमाचल पुलिस के डीजीपी संतोष पटियाल ने ऊना में शुरू होने वाली हिमाचल पुलिस की भर्ती के लिए भर्ती स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। डीजीपी ने साफ कहा कि अगर कोई पुलिस में भर्ती करवाने को लेकर कोई गिरोह भर्ती स्थल के आसपास पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी की माने तो पुलिस की ये भर्ती एक पारदर्शिता के तहत होती है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होती है। कल यहाँ पे जो है कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट शुरू हो रही है और इसके लिए जो भी प्रिपरेटरी काम है वो ऑलमोस्ट कर लिए गए हैं और अधिकारियों को जिन जिन की जहाँ जहाँ ड्यूटी है उसके बारे में ब्रीफ कर दिया है और इंश्योर किया जाएगा कि जो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो ये सारा ट्रांसपेरेंट और फेयर और तरीके से हो और इसमें जो जो इसके लिए दिशा निर्देश हैं बाकी चीज़ें हैं सारी फॉलो हों। नहीं, इसमें अगर ऐसा कोई, मैं आप लोगों के माध्यम से चीज़ इसको प्रेस को बताना चाहूँगा, बाकी आम पब्लिक को भी, कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और बहुत ईमानदारी से किया जाता है और बहुत फेयर है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई क्लेम कर रहा है कि वो किसी को इस तरह से भर्ती के लिए टाउट का काम कर रहा है तो कृपया इसकी इसके लिए हमारे नोटिस में लाएं, इसमें इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने रेत माफिया द्वारा पुलिस को धमकाए जाने वाले मामले पर कहा कि अवैध काम करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और अगर ड्यूटी पर किसी पुलिस कर्मचारी को कोई धमकाता है तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। नहीं, इसमें तो हम कार्रवाई करते हैं और अगर ऐसा जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें तो किसी को भी पुलिस को, जो पुलिस का जायज काम है, जो लीगल ड्यूटीज हैं, उसमें अगर कोई इंटरफेरेंस करेगा या धमकाएगा उसके खिलाफ एज पर लॉ सख्त कार्रवाई की जाएगी।